हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और जेक्यूरी की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक इमेज को ड्रैगेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रैगेबल बनाने के लिए तो हमें एक इमेज की ज़रूरत होती है, और उसके लिए मैं अपने सबसे पहले तो मैंने अपना एक जो इमेज है वो मैंने अपने सेम फोल्डर के अंदर ही इमेजेस के फोल्डर के अंदर रखा हुआ है जहाँ पे हमारा हम काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी फाइल में आता हूँ, ड्रीमवीवर में यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर एक इमेज ऐड करते हैं हम img ऐसा सोर्स इसको देते हैं, और सोर्स हमारे पास है यहाँ पर इमेजेस में ये, और इसकी विड्थ जो है वो मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल, और यहाँ पे इसको क्लोज करके अपने ब्राउज़र में इसका एक दफ़ा प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर लेते हैं तो हमारे पास ये इमेज आ रहा है, लेकिन अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ड्रैग नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करवाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ इसकी आईडी एक रख लेता हूँ ड्रैग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सॉरी इसके अंदर आता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कैच करो ड्रैग को और इसको ड्रैगर बना दो। ठीक है, ये ड्रैगेबल बन जाएगा। सॉरी यहाँ पे जो ड्रैगेबल है इसके डबल जी आता है ड्रैगेबल, तो इसके अंदर डबल जी डालेंगे तो हमारा ये देखें कि यहाँ पर ये मूव करना शुरू कर दिया है इसने, तो हमारा जो लोगो है मेरा लोगो पूरी वेबसाइट के अंदर कहीं पर भी हम इसको ड्रैग करके रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से इस अपनी किसी भी चीज़ को, किसी भी इमेज को ड्रैगेबल बना सकते हैं इस jQuery की फंक्शन की मदद से। लेकिन आप चाहते हैं कि ये आप एक डिव बनाएं, यानी कि आप इसको एक एरिया असाइन करें तो ये उसी एरिया के अंदर ही मूव करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ मैं, डिव आईडी बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री बना लेते हैं और इसको बंद करके यहाँ पर आके इसको क्लोज कर लेते हैं, यानी कि इमेज हमारा बाउंड्री के डिव के अंदर है। अब मैं इसको चाहता हूँ, पहले मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ इस बाउंड्री की, यहाँ पर हैश बाउंड्री और इसकी बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और हाइट जो है वो 500 पिक्सल, और विड्थ जो है वो भी 500 पिक्सल कर लेते हैं। सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं कि हमारे पास एक डिव आ गया है, लेकिन जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये इस डिव से बाहर जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये इस डिव के अंदर ही रहे, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर दो कर्ली ब्रैकेट्स डालकर इसके अंदर फंक्शन अप्लाई करवा देता हूँ इसको, कंटेनमेंट 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 में के आगे से कॉलम डालने के बाद दो सिंगल कोट्स होंगी, इसके अंदर मैं उस डिव का नाम दूंगा जिसके अंदर आप इसको मूव करवाना चाहते हैं, तो वो है बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर आप इसको मूव करवाना चाहते हैं, तो ये अब इस बाउंड्री से वो बाहर नहीं जाएगा, वो इसी बाउंड्री के अंदर अंदर ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉमा देकर नीचे एक्सिस भी दे सकते हैं। ठीक है, एक्सिस में आप इसको एक्स दे सकते हैं, एक्स दे सकते हैं, तो एक्स एक्सिस में सिर्फ ये मूव करेगा। ठीक है, तो अगर आप एक्स की जगह पे वाई देंगे तो ये वाई में मूव करेगा, एक्स में मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं इसको इधर लेके भी जाऊंगा तो ये नहीं जा रहा, तो सिर्फ ये अपनी एक्स पोजीशन पे है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अपने इमेज को ड्रैगेबल बनाना आ गया है, कि आप किस तरीके से आप किसी भी इमेज को ड्रैगेबल बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।